सबसे पहले मैं कुमार गौरव आपका रुख कर रही हूं क्योंकि आपकी तरफ ही नजर है। कितनी देर है बीजेपी की गुजरात के लिए पहली लिस्ट आने में, कितने उम्मीदवारों का नाम हो सकता है, किस किस को टिकट मिल रहा है और किन किन के पत्ते कट रहे हैं? इसमें कल हम चर्चा कर रहे थे कुमार गौरव, कई बड़े और दिग्गज चेहरे हैं जिनके टिकट काटे जा रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए बिल्कुल विपनेश, अब से कुछ देर में 5-10 मिनट के अंदर ही आपको सामने ये जो मंच है वहाँ पे नज़र आएंगे गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष और गुजरात के प्रभारी भूपेंद्र यादव भी यहाँ रहेंगे, सीआर पाटिल भी रहेंगे, मनसुख मांडविया भी रहेंगे और तरुण चुग जो कि पार्टी के महासचिव है वो यहाँ मंच पे बैठेंगे। और ये माना जा रहा है कि पहले फेज की सभी सीटों की घोषणा आज हो जाएगी। 89 सीट हैं पहले फेज में और सभी सीटों की घोषणा हो जाएगी। उसके अलावा लगभग बीजेपी ने 160 नामों पे कल रात तैयारी कर ली है, 160 नामों को फाइनल कर लिया है 160 विधानसभा क्षेत्रों के लिए। जाहिर सी बात है 100 से ज़्यादा नामों की घोषणा आज हो जाएगी। जिन सीटों पर पेज फंसा है उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को केंद्रीय चुनाव समिति ने अधिकृत कर दिया है कि वो पार्टी में विचार विमर्श करके उन सीटों के उम्मीदवारों का नाम तय कर ले। वो ज़्यादातर वो सीटें हैं जो दूसरे फेज में हैं, इसलिए उसको लेकर बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि कई दिग्गजों के टिकट कट रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल, आपको याद होगा जब गुजरात में पिछली बार पूरी कैबिनेट को ही बदल दिया गया था मुख्यमंत्री समेत, तो आप मानकर चलिए कि इस बार कुछ नाम सामने आ भी गए हैं। विजय रूपानी खुद ही, उन्होंने जैसा कि कल हम लोग दिन में चर्चा कर रहे थे कि उनका टिकट कटना तय है, बाद में उनकी तरफ से पत्र भी आया, बयान भी आया, तो विजय रूपानी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। नितिन पटेल जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रदीप सिंह जडेजा जो पूर्व गृह मंत्री हैं वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। भूपेंद्र सिंह चुडासमा जो शिक्षा मंत्री थे वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। सौरभ पटेल काफ़ी बड़ा नाम गुजरात की राजनीति में है, ऊर्जा मंत्री थे, वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। विभावरी दावे महिला एवं बाल विकास मंत्री, वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट मंत्री काकरिया थे पहले, और आरसी फल्दू जो पहले कृषि मंत्री थे, इन सबों का चुनाव न लड़ना तय है। इनकी तरफ से पत्र भी पार्टी को मिल गया है। दरअसल ये एक मैनेजमेंट होता है, पार्टी कहती है कि आपको चुनाव नहीं लड़ना, और एक बेटर रास्ता तलाशा जाता है, और वैसे में इन नेताओं से पत्र लिखकर मंगवाया जाता है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, ताकि पार्टी के अंदर कोई, उनके भी कई समर्थक होते हैं, उसके पास कोई गलत मैसेज ना जाए, उनके कार्यकर्ता नाराज ना हो। इसके अलावा मैं बताऊं कि भरूच से दुष्यंत पटेल की जगह रमेश मिस्त्री को टिकट मिलना तय है। एक और बड़ा नाम कह सकते हैं कि सूरत 84 बैठक से झंखना पटेल की जगह अमित राजपूत को टिकट दिया गया है। कुल मिलाकर विधानसभा अध्यक्ष नीमा भान आचार्य का भी टिकट कटा है। कुल मिलाकर लगभग 50 से 58 सीटों की अगर बात करें तो वहाँ पे नए उम्मीदवार लाए गए हैं, जो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे कि 25% के आसपास टिकट काटे जाएंगे, तो उसके आसपास ही टिकट काटे गए हैं। इसके पीछे की वजह ये है कि चूंकि नई कैबिनेट आई थी पिछली बार, हालांकि उसमें से भी जो नई कैबिनेट है उसमें से भी लगभग 25 और जो पिछली बार के विधायक हैं 2017 में जो बने थे उसमें से भी 25 के आसपास विधायक नहीं लड़ेंगे चुनाव, जो नए तौर पर मंत्री बने थे उसमें से भी कुछ मंत्री चुनाव नहीं लड़ेंगे। कुल मिलाकर तैयारी यह है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है 27 साल की पिछली कैबिनेट और इस कैबिनेट से कुछ सीटों को, कुछ लोगों को ड्रॉप करके, कुछ विधायकों को हटा के उसको कम किया जाए। ये गुजरात में पुराना मोदी स्टाइल है और उसी का असर आपको देखने को मिल रहा है। पहले 50% के आसपास सीट बदल दिए जाते थे, लेकिन चूंकि कैबिनेट कुछ समय पहले ही बदला है इसलिए उतना बड़ा उतनी बड़ी संख्या में लोगों का टिकट इस बार नहीं कटा है। लेकिन हाँ, नए जनरेशन के लिए रास्ता तैयार करना, ये एक मैसेज है पार्टी की तरफ से। और लगातार जहाँ भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहाँ आप देख रहे हैं कि पुराने जो कई बार के विधायक हैं उनको बैठाया जा रहा है, उनको दूसरी जिम्मेवारी दी जा रही है। हाँ, चुनाव में उनकी मदद जरूर ली जा रही है, उनको उनकी नाराजगी सामने ना आए इसकी भी पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन हाँ, आपसे कुछ देर का इंतजार है, 100 से ज़्यादा नाम आप देखेंगे कि यहाँ पे घोषणा हो जाएगी, जो कि पहले फेज की सभी 89 सीटों की घोषणा होगी, उसके अलावा दूसरे फेज की सीटों की भी घोषणा हो जाएगी। वरिष्ठ लोगों को बैठाकर नए लोगों को मौका देना, और जो बाहर से लोग आए हैं, रविंद्र जडेजा की पत्नी हैं उनको भी टिकट मिल रहा है, अल्पेश ठाकुर हैं उनको भी टिकट मिल रहा है, हार्दिक पटेल हैं उनको भी टिकट मिल रहा है, और भी कांग्रेस से जो इस तरह के मजबूत लोग आए हैं उनको भी टिकट दिया जा रहा है। जी कुमार गौरव, जल्दी रुख करेंगे क्योंकि हमारी नजर वही है, कभी भी किसी भी वक्त बीजेपी की पहली लिस्ट आउट हो सकती है। 100 से ज्यादा नाम बता रहे हैं आप, लेकिन आपने इंडिकेट किया है कि नई जनरेशन के लिए बीजेपी रास्ता बना रही है।